दोस्तों, अलसी वास्तव में गुणों की खान है। ये बात दीगर है कि लोग इसके प्रति अधिक सजग नहीं होते। अलसी का नियमित सेवन हमें कई प्रकार के रोगों से छुटकारा दिला सकता है। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो हमें कई रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ओमेगा 3 हमारे शरीर के अंदर नहीं बनता, इसे भोजन द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता है। शाकाहारियों के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड का इससे अच्छा स्रोत और कोई नहीं है। मांसाहारियों को तो ये मछली से मिल जाता है। अगर आप स्वयं को निरोग और चुस्त दुरुस्त रखना चाहते हैं तो रोजाना इसका सेवन कर सकते हैं। अलसी का सेवन करना जितना फायदेमंद होता है उतना ही नुकसान भी करता है। विशेषज्ञों के अनुसार अलसी का सेवन ज्यादा नहीं करना चाहिए। इसे रोजाना 20 से 30 ग्राम तक ही लेना चाहिए। इसके अलावा अलसी खाने के भी कई तरीके हैं। इसे आप अलग अलग चीजों में मिलाकर खा सकते हैं। कुछ लोग सादी अलसी को खाना पसंद नहीं करते, उन्हें चाहिए कि वह अलसी का सेवन भूनकर करें। ऐसा करने से अलसी स्वादिष्ट ही नहीं होती बल्कि इसका स्वाद भी कुरकुरा हो जाता है। और ये अलसी खाने का तरीका बहुत आसान और उपयोगी है। अलसी को पीसकर उसका पाउडर बनाकर इस्तेमाल करना बहुत ही अच्छा तरीका होता है। इसके लिए आप गर्म पानी के एक गिलास के साथ एक चम्मच अलसी के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि अलसी का पाउडर अधिक ना हो, क्योंकि ये पाउडर जल्दी ही खराब हो जाता है। अगर आप दही खाना पसंद करते हो तब आपके लिए अलसी का रायता एक अच्छा विकल्प है। इसको रायते में इस्तेमाल करने के लिए 1 कप कसी हुई लौकी, 1 कप दही, 1/2 चम्मच मोटी पिसी अलसी, 1/2 चम्मच काला नमक और थोड़ी सी चीनी डालकर 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दें, फिर इसका इस्तेमाल करें। अलसी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है और शक्कर की मात्रा न्यूनतम होती है। इसके स्वास्थ्य लाभों को प्राप्त करने के लिए आप इसका इस्तेमाल रोटी या पराठे के रूप में भी कर सकते हैं। इसके लिए आप आटे को गूंदते समय अलसी को पीसकर आटे में मिक्स कर लें। 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच अलसी का पाउडर मिलाकर पीने से सेरोटोनिन का स्तर बढ़ता है, जिससे आपको नींद अच्छी आती है।